हर मैदान में आगे थे और दीन से जुड़े हुए थे, अपने उलमा से जुड़े हुए थे। लिखा है इसमें कि ये अपने उलमा से, और मस्जिदें 500 मस्जिदें थी जिसमें मस्जिदों को टूटा, और 500 मस्जिद का मतलब ये है कि लोग नमाजी थे, परहेजगार थे। बाद में कहा जाता है जब जवाल आया तो ये मस्जिदें भी खाली। अब जाहिर है कि मस्जिदों को तुमने वीरान कर रखा तो उसमें घोड़े नहीं बांधे जाएंगे, तब क्या होगा? चर्चा कब दी कर दी गई? सारी ईसाई गाली बागे गाली। इसलिए कि कोई कौम जब दावत और तबलीग को और इस्लाम को लोगों के सामने पेश करने से पीछे रह जाती है तो उनकी तादाद कब होने लगती है? अल्लाह से हटकर दूर होते जाते हैं, दूसरी कौम उनके ऊपर गाली बांधी जाती है, अपनी तहजीब के साथ अपनी सिविलाइजेशन गाली बांधी जाती है। वैसे ही हुआ और फिर मुसलमानों के साथ जो सुलूक रवा रखा गया लम्हे खता करते हैं, सदियों को सजा मिलती तो सब दुनिया वकरा ये थी। तो पहला सबक तौहीद में शिर्क की आमेज़िश, दूसरा सबक किताब सुन्नत सुदूर, और तीसरा सबक हुब दुनिया, चौथा सबक तफरकबाजी। तफरकबाजी पहले आयत देख ले, वाकसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफरकु वाज़कुरु निअमतल्लाहि अलैकुम इन कुन्तुम आदान फअल्लफ बैन कुलूबिकुम फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख्वाना वकुन्तुम अला शफा हुफ्रतिन मिनन नारि फअन्क़ذكم मिन्हा। तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, अल्लाह तबारक व तआला का इतना बड़ा करम उसका एहसान कि तुम्हारे दिलों को आपस में मिला दिया, तुम मुत्तहिद हो गए। इत्तेहाद इत्तेफाक तालीम से पलट गया, अल्लाह बहुत बड़ी नेमत है। सब एक होकर के आगे बढ़े और फिर इख्तलाफ शुरू हुआ, अकाइद में इख्तलाफ, आमाल में इख्तलाफ। दुनिया की कौन सा ऐसा जाविया ऐसा पोर्शन नहीं था जिसमें लोगों ने इख्तलाफ नहीं किया और आज तक कोई इख्तलाफ बाकी? देखिए आज लोग इस्लाम की तरक्की के लिए नहीं काम कर रहे हैं, इल्ला एक अल्लाह जिसे तौफीक दे, बल्कि मसालिक पर जोर दिया जा रहा है, मसालिक पर जोर दिया जा रहा है। वस्कुरु इस्कुन तुमादान फल्लफ वेरकुली ताली के तल में गई तफरकबाजी, और ये कितनी खतरनाक है आपको मालूम है? इस तफरकबाजी ने हमें कहां तक पहुंचा दिया? ये अजाब है एक तरीके का। चलिए वो हदीस पढ़ लेते हैं, हदीस हदीस की तरह वानी मोहम्मद अल जमा अल्लाह बल बल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अल्लाह की शुक्रिय कलील और यस शुक्रिय कलील और मन लम यशकुर इल्ला सल्लम यशकुर इल्ला हजरत हमारे के बशीर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बड़ा शुक्र व तर्क को क्या फरमाया कि जो आदमी थोड़ी चीज का शुक्र अदा नहीं करता वो बड़ी चीज का शुक्र अदा नहीं करता, कम करने तो ज्यादा करने का, जो लोगों का शुक्रिया देने का तो अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करता। नेमत को बयान करना है अल्लाह का शुक्र है और उसको छोड़ देना कुफ्र है। आखिरी टुकड़ा जमात और रहमत, इत्तेहाद और जमात, ये रहमत फुरकत वाला, इसके मुकाबले में तफरकाबाजी जमात से अलग होना ये बहुत बड़ा अजाब। आज देखो कितने मसालिक और कितने फिरके हो गए हैं जिससे उम्मत मुसलमान की ताकत मुंतशिर होकर के रह गए, जैसे जैसे फिरके बनते गए ताकत कम होती गई। ये हमारी जिल्लत और पस्ती का ये चौथा सबब तफरकाबाजी इख्तलाफ, बड़ी खतरनाक चीज है ये चौथा सबब। और पांचवा सबब, पांचवा सबब है अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर छोड़ देना। जी चलिए वह हदीस पढ़ लेते हैं, हदीस हदीस इस तरह وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم رواه الترمذي في كتاب الأدب. إمام الترمذي رحمه الله اس حدیث کو سنن ترمذی کے اندر لائے ہیں. آگے حضرت حذیفہ بن یمان حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھلائیوں کا حکم دیتے رہو برائیوں سے روکتے رہو ورنہ قریب ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے
सजा की बात आ जाए, अजाब आ जाए, फिर तुम दुआ करोगे, दुआ कबूल नहीं होगी तुम्हारी। तो अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को हमें छोड़ लग गया। ये तो कहो कि मदारिस हमारे उलमा आप लोगों को चाहे तादाद रहे या ना रहे, आते हैं बताकर चले जाते हैं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी तो एक्सेप्ट करना, उसके ऊपर चलना, बताने के लिए मौजूद है। और जानते हैं उलमा से जुड़ना, दीन से जुड़े रहना इस दौर के अंदर बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह तबारक व तआला। स्पेन की तारीख को मैंने पढ़ा है, उसके अंदर सबसे बड़ा नुमाया प्रोनाउंस सबक जो बयान किया गया, भैया उलमा और मसाजिद से दूरी, 500 मसाजिद है बताइए आप, भरी हुई मसाजिद, बाद में धीरे धीरे सब खाली हो गई। और जानते हैं मुअर्रिख लिखता है कि स्पेन की तबाही में सबसे बड़ा सबक यह कि यूरोप ने तो इल्म लिया मगर बदले में उन्होंने कुरियानियत और नंगा काम वो भेज दिया स्पेन में। जैसे आजकल हमारे नौजवान इनको नमाजों से कुछ लेना देना नहीं, मोबाइल तो पता नहीं क्या क्या देखते रहते उस पर। चार लड़के बैठे हुए महफिल, लेकिन बताइए ऐसा लगता है चारों एक दूसरे से बेनिया महफिल में रहते हुए तन्हा है, कितना बड़ा आजाद है, रात भर लगे रहते उसको, तन्हा बैठा हुआ है उसका हंस रहा है, देख रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। इनसे पूछा जाए कि कुछ लोग तुम्हारी तरह नौजवान थे जो अपने घरों से भाग निकले थे, क्यों भागे थे, और वक्त जो फर्क था सामने उनकी आंखों में आंखें मिला कर उनके पास बड़े लोग, बड़े लोगों के डरों के बोलो बोलो असाबे कहे फितिया तो भी तुम्हारी नौजवान था। अल्लाह ने फरमाया नहम नकुस अलैक नबअहुम बिलहक, यानी अगर किस्सा बयान किया जाए, कोई वाकया बयान किया जाए तो हकीकत को पेश नजर रखा जाए, क्या गवैये बेचारे और क्या कहानियां और उस पर तुर रही है कि अब हम हंस रही हैं। आप कहीं किसी कॉमेडी का किस्म है कि आपको कुरान और हदीस से ज्यादा लज्जत किसी और चीज में, एक बार बोलिए आदमी का